बहुत नाराज होंगे, बहुत सख्त सजा मिलेगी हमें। अरे नहीं, बल्कि जब हम उन्हें कहेंगे कि आपने उनकी खानदान की इज्जत बचाई है तो कितने खुश होंगे वो। हमारे नहीं तो अपने अब्बा हुजूर की इज्जत के लिए ही कर दीजिए, ये लीजिए। ठीक है शहजादे, हमारी पतंग नहीं कटेगी, आप बेफिक्र रहिए, ये वादा है हमारा आपसे। हमारा काम था इस भगोड़े की औलाद को यहाँ तक पहुँचाना, सो हमने किया। इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाना चाहिए, इस तरह। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही है, कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे ही समझ लीजिए, अकबर की जान खतरे में है, आप जल्दी। अकबर, अकबर! शहजादे, अकबर पीछे देखिए। नहीं, हम एक हाथ से नहीं पकड़ सकते, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। जी शहजादे। शहजादे मेरे बच्चे, क्या हुआ आपको, उठिए उठिए। शहजादे, अकबर आगे खोलिए, उठिए। माम, आप इन्हें जल्दी से अंदर लेकर जाइए, हम हकीम बुलवाते हैं। मम्मी जान सब समझ गई आदम, अब क्या करें? चलिए शहजादे उठिए। हमें अम्मी जान के गुस्से का कोई डर नहीं आदम मियां, उनका गुस्सा तो बुलबुले की तरह है, यू बनता है और यू फूटता है। लेकिन चाल तो उल्टी पड़ गई ना शहजादे। अब जो हुआ उस पर मत रो, अब आगे जो करना है वो सोचो। मलिका के पास जाने से पहले भगोड़े की औलाद के मुंह पर ताला लगाना ही बेहतर होगा, और फिर अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो थोड़ी तो दिक्कत आ ही सकती है। क्यों, ये हुई ना बात आदम मियां, अपना मुंह बंद रख ली खोर, हमारी बात ध्यान से सुन भगोड़े की औलाद, अगर तेरी जुबान पर हमारा नाम आया तो हम तेरी अम्मी के खिलाफ अब्बू जान के कान भरेंगे, और फिर तेरी अम्मी की खैर नहीं, समझा? क्या बात है? हम तो आपको ये कहने आए थे, आपने जिसको तलवारें चमकाने की जिम्मेदारी दी थी वो तो छत पर पतंगे उड़ा रहा था और अभी अस्तबल में आराम फरमा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए। हमारा हुक्म तेरे लिए कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन आज के बाद ऐसा काम करने से पहले तू 100 बार सोचेगा। हुजूर रहम करिए, नहीं नहीं हुजूर नहीं, बख्श दीजिए, जब माफ कर दीजिए। हुजूर रुक जाइए, हुजूर माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। रुक जाइए, ये काम ही कर रहा था हुजूर, इसका कोई कसूर नहीं। हम सच कह रहे हैं हुजूर, कोई इसे बहलाकर छत पे ले गए और छत पे ले जाकर इसे धक्का दे दिया, मरते मरते बचा है आज ये। आपके गुलाम को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई। कौन था वो, किसने धक्का दिया बताइए? आपको यकीन नहीं होगा हुजूर, ये सब ये सब हमारी गलती है हुजूर, सारा ध्यान पतंग पर था, पता ही नहीं चला कब मुंडेर के किनारे पहुंचे। अब तो इसे सजा देने का वक्त आ गया है। नहीं हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए, बच्चा है, मलिका बचाइए ना। हुजूर, 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 छोड़ दीजिए इसे, माफ कर दीजिए। ये आपकी ढाल है, भूल गए आप? अगर ये ढाल टूट गई तो सारा सोचा समझा बेकार हो जाएगा। हमें समझाइए मत बेगम,
हम जानते हैं कि अपनी ढाल को कितना पीटना है ताकि वो टूटे ना। हुजूर, हमारी बात सुनिए, आप कहाँ इन छोटी छोटी परेशानियों में उलझ रहे हैं। अभी तो आपके सामने इस्लाम शाह का मसला है और वो मसला हमारे लिए बहुत अहम है। इसका क्या है, इससे तो हम कभी भी निपट सकते हैं। झूठ क्यों बोला अकबर? हमने झूठ नहीं बोला, जो हुआ उसमें हमारी गलती थी चाची। मलिका है हुजूर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसकी गलती है और उसे सजा जरूर मिलेगी। कासिम, अपनी गलती कबूल कर लो वरना आज हम अपने आपे में नहीं है, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। बोलो बोलो। बस कर मलिका, बस बोलो। अगर वो मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, एक गुलाम ही तो कम होता, और मिल जाएंगे। कासिम, हम ही दोबारा मन मारेगा, हम जो कहेंगे हम करेंगे। आपको अपनी गलती के लिए अकबर से माफी मांगनी होगी। हमें माफ कर दो हमारे भाईजान। चुपचाप मत करना वरना तेरी अंगा अंगी जान की जान नहीं बचेगी। अब्दुल मियां, आज आपसे दो बात कह रहे हैं। पहली तो ये कि हम अपने अब्बा हुजूर की तलवार, हमारी खानदानी तलवार, इस्लाम खां को नहीं जाने देंगे, ये तो पक्का है। और दूसरी बात, जो हमारी जान लेना चाहता है हमारा भाई कैसे हो सकता है ना। अब बहुत हो गया सर झुकाकर सहना, अब तो पैतरे चलेंगे, अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। आइए देखिए, इस्लाम शाह के हुक्म के मुताबिक 500 तलवारें, जरा बख्त और ढालें बिल्कुल तैयार हैं। आइए, और इस बार तो हम सुल्तान के लिए एक बहुत ही खास तोहफा भेज रहे हैं, बहुत पसंद आएगा उन्हें, दावा है हमारा। तहजीब नाम की कोई चीज है तुम में गुलाम? अपने सुल्तान के सामने पीठ दिखाकर बैठा है बदतमीज, सलाम फराम कुछ नहीं। दोबारा अगर ऐसी गलती की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे हम। अब चल हमारे शाही मेहमान को तोहफा दिखा। परमजीत जी, क्या आप जानते हैं कि यह तलवार किसकी है? आपके सबसे बड़े दुश्मन हुमायूं, और इस तलवार को हमने खास तोहफे में इस्लाम शाह को देने के लिए ही रखा था। बहुत खूब, ये तोहफा शहंशाह को यकीनन बहुत पसंद आएगा। लाओ दिखाओ। नाम क्या है तुम्हारा लड़के? अरे हुजूर, गुलामों का नाम तो गुलाम होता है। ऐसा गुलाम तो पहली बार देख रहा हूं जो शाही तलवार को एक सिपाही की तरह इज्जत दे रहा हूं। कुछ तो अलग बात है इसमें, ऐसा लगता है तुम्हारी रगों में किसी जाबाज का खून दौड़ रहा हो। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम, मैं, आप चलिए हुजूर, दस्तरखान लगा हुआ है, आज तो हमारे कई ओहदेदार आपके दीदार के लिए आए हुए हैं। चलिए तशरीफ लाइए, आइए आइए। शहजादे कासिम, ऐसी कमाल की तरकीब सूझी है ना इस भगोड़े की औलाद को सबक सिखाने की, बहुत मजा आएगा।
अच्छा क्या तरकीब सूझी है? पूछिए मत, बस देखते जाइए। शहजादे तलवार नहीं, गुलाम की मौत के दरवाजे की चाबी है। बाप की तलवार, बेटे पर वार। और तमाशा मजेदार। क्या हुआ तारदीप साहब, ये हाथ पीछे करके क्यों खड़े हो? अच्छा, वो तिगड़ी रात में इसी फिराक में घूम रहे थे, हमें फंसाने के लिए उन्होंने ये तलवार यहाँ रख दी है। बहुत गंदी चाल चली है उन्होंने, अब हमें कुछ करना होगा, वरना कामरान मिर्जा हमारे साथ क्या करेंगे सोचकर ही रूह कांप रही है। अकबर, कहाँ है अकबर? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्या बात है हुजूर, हमारे बेटे से फिर कोई गुस्ताखी हो गई क्या? अपने भगोड़े बाप की तलवार चुराई है उसने अस्ता खाने से। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ तलवार ढूंढो। एक काम करो, बाप बोरियों के पीछे जाकर देखो। मिली? यहाँ भी नहीं है शहजादे। शहजादे वहाँ घास के पास भी तलाशी करवाइए। सिपाहियों वहां घास के उधर जाके देखो। यहाँ पे भी कुछ नहीं है शहजादे। यही तो रखी थी शहजादी, कहाँ गायब हो गई? घोड़े की औलाद और तलवार सोनू नहीं है, पता नहीं क्या करने वाले है वो। हमें अब्बा जान की तलवार किसी भी तरह वापस अशोक खान में पहुंचानी होगी। कासिम और आदम ने बहुत खतरनाक चाल चली है हमारे खिलाफ, लेकिन इसे कामयाब नहीं होने देना है, और न इस बार कामरान मिर्जा बड़ी बेरहमी से पेश आएंगे हमारे साथ। मिला कैसे नहीं? महल से बाहर जाता तो कम से कम हमें पता चलता, हम देखते उसे। महल का चप्पा चप्पा चौन मोरो, हर जगह ढूंढो उस भगोड़े की औलाद को, पकड़ के हमारे सामने लाओ उसे। अब्बा जान, महल में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे वो छिपने की सोचेगा, उसके हिसाब से वहाँ पर उसे कोई नहीं तलाशेगा। ऐसी कौन सी जगह है? वो असलखाने में होगा, वो यकीनन आपको वहीं छुपा मिलेगा। कहाँ रखूँ ये तलवार? अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो कहाँ है पिटारा? चौबीस, तू पहचानता नहीं है खबीस की औलाद? इतनी कोशिशों के बाद भी तुझे ताला नहीं खुलता? यहां तक कोई नहीं है, कहां गया वो? अच्छा, इधर छुपा बैठा है, क्या कर रहा है हुजूर के कमरे में? इसे ले चलो हुजूर के पास, वही सच उगलवाएंगे इससे। ले चलो चलो। बता वो तलवार कहां है? हुजूर, तलवार वही होगी क्या उसको होना चाहिए? अच्छा, होनी तो इसमें चाहिए, लेकिन है नहीं। ये देख हुजूर, ये तो कमाल हो गया। बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं हुजूर, लेकिन तलवार तो अब जगह पर है, इसका मतलब हमारे बेटे अकबर ने चोरी नहीं की, शायद किसी को कोई गलत फहमी हो गई होगी। माफ कर दीजिए हमारे बेटे को, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। एक गुनाह तो किया है इसने हुजूर, ये हमें आपके कमरे में आपके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिला है। क्या क्या करने गया था तू हमारे हुजे में? कत्ल करने तो नहीं आया था क्या? फिर सोए में हमारी गर्दन पे छुरा फेरने आया था? इसे उठा के कैद खाने में डाल दो। अकबर, हमारे शहजादे,
अकबर अमर शहजादे। अम्मी जान हमारा बच्चा। माम भी आप चली जाइए, अगर सुल्तान को पता चला तो हमारी और तुम्हारी दोनों की खैर नहीं। हम अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हम दो बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी कसम है जाइए, हम नहीं चाहते हमारे वजह से आपको कोई तकलीफ हो। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, हम चोर नहीं है। नक्कल खाने में टूटी बजाने से क्या फायदा मियाँ, हम गरीबों की कौन सुनता है। कौन हो तुम, किस बात की सजा मिली है तुम्हें, क्या गुनाह किया है तुमने। गरीब होने का गुनाह, मेरी अम्मी जान बीमार है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ऊपर से ये सुल्तान के सिपाही आ गए लगान वसूल करने के लिए। बस मैंने आवाज उठाई तो मुझे बागी कहकर मेरी खाल उधेड़ डाली। तुम कह रहे हो तुम यह काफी दिनों से बंद हो, मगर ये जलने के घाव तो ताजा लग रहे हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया है कि जब जब 12 का गजर बजे तब तब मुझे गरम लोहे से दागा जाए। हम तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकते, मगर बांट जरूर सकते हैं। दरवाजा खोल दो, मलहम लगाने का वक्त हो गया है। मेहनत कर लिया तुम लोगों ने, खाना आ गया है, आओ खा लो। चलो भाई बहुत भूख लगी है, चलो। तो मुझे जानते तक नहीं हो, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा, क्यों किया तुमने मेरे लिए ऐसा। हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता है, किसी पर नाइंसाफी होते देखता हूँ तो साकर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, वो भी एक कैद खाना तोड़ कर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है, आसमान सर पर उठा रखा है, क्या हुआ। पेट पे बहुत दर्द हो रहा है जनाब, कुछ दवाई का इंतजाम कर दो जनाब। सुल्तान कामरान मिर्जा की हिदायत है कि तू मरना नहीं चाहिए, पेट दर्द से कोई मरता नहीं, इसलिए तू पड़े पड़े चीखता रहे और मैं चला खाना खाने। अल्लाह के लिए इतने बेरहम मत बनिए, एक बच्चे के ऊपर तो रहम कीजिए। दूर हट नामुराद, अपने गंदे हाथ दूर रख। अरे आजा भाई आजा, खाना खा ले, बाद में खातिरदारी करते रहना। ये लो चाबियां यहाँ गिराकर वहां कबाब उड़ा रहे हैं, हद है लापरवाही की। चाबी मिल गई है, अब क्या, अब ताला खोलेंगे और क्या। अरे वो बड़े बर्तन देख रहे हो खाने के, हम उनके खाना खत्म होने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो यहाँ से बर्तन ले जा रहे होंगे मैं उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाकर उसमें बैठ जाना और बाहर निकल जाना। अरे ये बाहर कैसे निकला, अरे बदमाश पकड़ उसको। रुक जा, नहीं तो खाल उधर दूंगा तेरी। चल चल खुल। इसको बांध देते नहीं दोबारा भाग जाएगा। नहीं सर, बहुत खुराफाती दिमाग है इसका।
अरे वो लड़का कहाँ गया? कौन कहाँ गया? अरे वो बागी लड़का। अरे सुनो, अरे उस बागी लड़के को देखा क्या? अरे वो तो कैद खाने में होगा ना। हाँ, अब भाग गया। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है और मैं इधर से ही निकला हूँ। अगर वो भागा रहता तो मुझे तो जरूर दिखता। कहीं वो इन बर्तनों में छुप के तो नहीं आ गया? इन बर्तनों में नहीं है तो कहीं कूड़े में तो नहीं छुपा हुआ है? चलो देखते। अरे ये तो गजब हो गया, वो लड़का यहाँ भी नहीं है। अब सुल्तान को जाके खबर देनी होगी। हुजूर गजब हो गया, वो लड़का जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी वो लड़का कैद खाने से फरार हो गया। ये सब अकबर की ही करतूत है। आज ही अकबर कैद खाने में गया और आज ही वहाँ से एक कैदी फरार हो गया। इसे इत्तेफाक समझने की गलती मैं नहीं करूँगा। इसको इतना मारो कि ये भागना तो दूर, खड़ा होने के लायक भी ना रहे। बेहोश हो जाए तो होश आने का इंतजार करो और होश आते ही फिर मारो, लेकिन खबरदार ये मरना नहीं चाहिए। और हाँ, चप्पा चप्पा छन मारो इस महल का। मुझे वो बागी इसी भगोड़े की औलाद के साथ इसी कैद खाने में चाहिए, समझे?